माय चैनल निकीस कलेरी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं साबुदाना थाली पीर, जो कि ट्रेडिशनली एक महाराष्ट्रियन रेसिपी है। इसे स्पेशली फास्ट यानी कि व्रत में बनाया जाता है। तो अगर आप अपने फास्ट में कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। साथ ही इस वीडियो में हम बनाएंगे फलहारी मूंगफली की चटनी, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है और आपको बहुत पसंद आएगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट सजेशन जरूर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी को देखते हैं। साबुदाना थाली पीठ बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम साबुदाना। इन्हें मैंने 4 से 5 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था और देखिए ये अब अच्छे से खिल चुके हैं। और हमें चाहिए 4 से 5 उबले हुए आलू। इन्हें मैंने पहले से बॉईल और पील करके रखा है। 1 कप मूंगफली, जिसमें आधा कप मूंगफली मैं थाली पीठ बनाने में यूज़ करूँगी और आधा कप मूंगफली से मैं मूंगफली की चटनी बनाऊँगी। 1/4 कप देसी घी, 1 टीस्पून कूटी हुई काली मिर्च, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, 2 टीस्पून जीरा, 4 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 इंच थाली पीठ बनाने के लिए और 2 इंच मूंगफली की चटनी बनाने के लिए, फ्रेश कटी हुई हरी धनिया, 4 हरी मिर्च बड़े टुकड़ों में कटी हुई मूंगफली की चटनी बनाने के लिए और 5 से 6 हरी मिर्च बारीक कटी हुई थाली पीठ बनाने के लिए। सबसे पहले फ्लेम को ऑन करिए मीडियम टू लो हीट पे और एक पैन में 1 कप मूंगफली को डाल दीजिए। इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो इसे लगातार चलाते रहिए और इसे एक बराबर अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। 3 से 4 मिनट में ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। ध्यान रखिए फ्लेम मीडियम टू लो होनी चाहिए। इसे लगातार चलाते रहें और टॉस करते रहें। 3 से 4 मिनट में हमारी मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो चुकी है एक बराबर। तो अब फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसे एक साइड रख दीजिए थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और जैसे ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, इसे अपनी हथेलियों के बीच में इस तरह से लीजिए और रब करिए। इससे इसका छिलका उतर जाएगा बहुत आसानी से। रोस्ट करने के बाद इसका छिलका बहुत ईजिली निकल आता है। तो आप इसी तरह से अपने पाम्स के बीच में इसे रखिए, रब करिए और इसका छिलका निकल आएगा। अब इसे बाउल में निकाल लीजिए। इसी तरह से बाकी मूंगफलियों को अच्छे से साफ कर लीजिए, इसका छिलका उतार दीजिए। देखिए मैंने सारी मूंगफलियों का छिलका उतार लिया है और ये तैयार है। तो अब एक मिक्सचर जार में 1/2 कप मूंगफली को डाल दीजिए। ध्यान रखिए 1/2 कप मूंगफली ही डालें, बिकॉज हम इसका एक पाउडर बनाएंगे, एक स्मूथ पाउडर इस तरह। और ये पाउडर हम थाली पीठ बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हमारा पाउडर तैयार है। एक बड़े मिक्सिंग बाउल में डालिए 300 ग्राम साबुदाना, जो हमने पहले से भिगो के रखा था। ध्यान रखिए साबुदाना बहुत अच्छे से खिला हुआ होना चाहिए। अब इसमें डालिए 4 से 5 उबले हुए आलू। इन्हें अच्छे से मैश कर लीजिए और साबुदाना के साथ इसे अच्छे से मिला लीजिए। इसमें आपको अपने हाथों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालिए 1/2 कप मूँगफली का पाउडर जो हमने बनाया था। 2 इंच अदरक को ग्रेट कर लीजिए इसमें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ध्यान रखिए 2 इंच अदरक ही सिर्फ हमें ग्रेट करना है। अब इसमें डालिए 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 5 से 6 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, सेंधा नमक स्वाद अनुसार और ढेर सारी हरी धनिया। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए एक डो की तरह। और ये हमारा थाली पीठ का मिक्सचर अब तैयार है। तो इसे एक साइड रख दीजिए और अब हम तैयार करते हैं अपनी मूंगफली की चटनी। एक मिक्सचर जार में डाल दीजिए 1/2 कप मूंगफली जो हमने रखी थी। इसमें डालिए 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 टीस्पून जीरा, 4 से 5 हरी मिर्च बड़े टुकड़ों में कटी हुई, फ्रेश हरी धनिया, सेंधा नमक स्वाद अनुसार और साथ ही इसमें डालिए 1/4 कप पानी और 1 स्पून चटनी ग्राइंड कर लीजिए इस तरह। ये बहुत ही टेस्टी फलहारी चटनी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए इस चटनी को। तो ये हमारी चटनी तैयार है, इसे साइड रख देते हैं। ट्रेडिशनल थाली पीठ बनाने के लिए थाली का इस्तेमाल करते हैं, बट मैं यहाँ एल्युमिनियम फॉइल पे बनाऊँगी। सबसे पहले अपने हाथों को देसी घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए, बिकॉज ये मिक्सचर बहुत ही चिपचिपा होता है।
और ये बन नहीं पाएगा जब तक आप अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस न करें। देसी घी से एक हैंडफुल मिक्सचर ले लीजिए, बड़ा सा मिक्सचर इस तरह से ले लीजिए और अब एल्युमिनियम फॉइल पे थोड़ा सा देसी घी लगाकर इसे अच्छे से ग्रीस कर दीजिए। एल्युमिनियम फॉइल को अच्छे से ग्रीस कर दीजिए और अब जो मिक्सचर हमने लिया था उसका एक बॉल बनाकर एक फ्लैट डिस्क बना लीजिए एल्युमिनियम फॉइल पे रखकर और इसे फैलाते जाइए जितना पतला और जितना बड़ा आप चाहते हैं बनाना। मैं प्रेफर करती हूँ कि जितना पतला आप बना सकते हैं उतना पतला बनाइए, इससे ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आपको किसी भी रोलिंग पिन की किसी भी बेलन के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले से अपने हाथों को देसी घी से ग्रीस कर रखा है तो इसे आप हल्के हाथों से जेंटली प्रेस करते रहिए और ये अपने आप बढ़ता जाएगा। तो ये हमारी थाली पीठ बन चुकी है। फ्लेम को ऑन करिए मीडियम हीट पे और एक तवा ले लीजिए, इस पे लगाइए थोड़ा सा देसी घी और अब इसे गर्म होने दीजिए। जैसे ही ये गर्म हो जाए जो हमने थाली पीठ बना के रखी थी उसे एल्युमिनियम फॉइल के साथ उठाइए और पलट दीजिए तवे के ऊपर और बहुत जेंटली एल्युमिनियम फॉइल को हटा लीजिए, ये बहुत आसानी से हट जाएगी। साइड्स पे थोड़ा सा घी डाल लीजिए, बहुत थोड़ा सा, और अब इसे मीडियम फ्लेम पे आराम से सेकने दीजिए जब तक ये एक साइड से क्रिस्पी और ब्राउन ना हो जाए। और जैसे ही ये एक साइड से क्रिस्पी और ब्राउन हो जाएगी हम इसे पलट लेंगे इस तरह और फिर से थोड़ा सा देसी घी साइड्स पे लगा दीजिए। ध्यान रखिए आपको फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी और ब्राउन हो सके दोनों साइड से, हाई फ्लेम पे ये जल जाएगी। तो जैसे ही ये दोनों साइड से क्रिस्पी और ब्राउन हो जाए इसे प्लेट पे निकाल दीजिए और सर्व करिए। चलिए हम एक और थाली पीठ बनाते हैं। अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए देसी घी से, एक हैंडफुल मिक्सचर लेकर बाउल बनाइए और एल्युमिनियम फॉइल को भी अच्छे से ग्रीस करके इसके ऊपर थाली पीठ बनाइए। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप इसे थोड़ा पतला बनाएं, बट अगर आप मोटा पसंद करते हैं तो आप मोटा भी बना सकते हैं। ये जितनी पतली बनती है उतनी ही टेस्टी होती है। लग रही है ना एकदम परफेक्ट, और ये काफ़ी पतली बनी है। तो जैसे कि हमने इसे पहले सेका था इसी तरह से सेम गरम तवे पे थोड़ा सा देसी घी लगाइए और एल्युमिनियम फॉइल के साथ इसे पलट दीजिए। एल्युमिनियम फॉइल को हटाकर थोड़ा सा देसी घी पोर कर दीजिए साइड्स पे, एक साइड से इसे क्रिस्पी और ब्राउन होने दीजिए। जैसे ये एक साइड से ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए इसे पलट दीजिए, थोड़ा सा देसी घी और पोर करिए साइड्स पे और दूसरी साइड को भी अच्छे से क्रिस्पी और ब्राउन हो जाने दीजिए। तो ये हमारा दूसरा थाली पीठ भी तैयार है। आप इसे साबूदाना की रोटी, साबूदाना का पराठा भी कह सकते हैं, पर ये बहुत टेस्टी है। इसे सर्व करिए पीनट चटनी या दही के साथ। देखिए ये कितना पतला है, कितना थिन बना है और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी है। सो इस नवरात्रि या आपका कोई भी फास्ट हो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, फॉर अ चेंज आपको बहुत पसंद आएगी और ये बहुत ही टेस्टी है। मेरे पूरे मिक्सचर में 10 से 12 थाली पीठ तैयार हुई थी, तो आप भी 10 से 12 थाली पीठ बना सकते हैं उस पूरे मिक्सचर के साथ, परफेक्ट फॉर अ फैमिली ऑफ 4। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट सजेशन देना ना भूलें नीचे कमेंट बॉक्स में। टिल देन बाय, टेक केयर।